हेलो दोस्तों, आरके मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हुए इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच में फोर्थ टेस्ट मैच के फोर्थ दिन जो भी हुआ उसका पूरा वर्णन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं इस मैच में अब तक क्या क्या हो चुका है। इंग्लैंड फर्स्ट इनिंग में 400 रन बना चुकी है। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने अपनी फर्स्ट इनिंग में 183 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके बाद इंग्लैंड ने अपनी सेकेंड इनिंग्स में 248 रनों पर ऑल आउट हो गई। और दोस्तों, आज साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 466 रनों का टारगेट मिला था। साउथ अफ्रीका जब 466 रनों का टारगेट लेकर पिच पर उतरी तो उनके दोनों ओपनिंग बैट्समैन थोड़ी देर टिक कर जरूर खेले, लेकिन उनका पहला विकेट पीटर मलान के रूप में गिरा। पीटर मलान ने आउट होने से पहले 51 गेंदों पर 22 रन बनाए 3 चौकों की मदद से। उसके बाद एल्गार 73 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके लगाए। उसके बाद जो पिच पर आए वेंडर डुसेन ने अच्छी पारी खेली, लेकिन वह भी अपनी टीम को जीत ना दिला सके। वेंडर डुसेन ने आउट होने से पहले 138 गेंदों पर 98 रन बनाए 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से। उसके बाद डुप्लेसिस ने भी 92 गेंदों पर 35 रनों की अहम पारी खेली जिसमें 5 चौके थे। उसके बाद डीकॉक 42 गेंदों पर 39 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का लगाया। बवुमा 29 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हुए 6 चौकों की मदद से। प्रीटोरियस 8 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हुए। फिलेंडर 11 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हुए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। नोट अजय 10 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने कोई चौका और कोई छक्का नहीं लगाया। लास्ट की विकेट बी हेंड्रिक्स के रूप में गिरी। बी हेंड्रिक्स ने आउट होने से पहले 9 गेंदों पर 4 रन बनाए, कोई चौका और कोई छक्का नहीं। लास्ट में पैटरसन नॉट आउट रहे। उन्होंने कोई गेंद नहीं खेली और कोई रन नहीं बनाया। इस प्रकार साउथ अफ्रीका अपनी सेकेंड इनिंग्स में 77.1 ओवर में 274 रनों पर ऑल आउट हो गई और इंग्लैंड ने यह मैच शानदार 191 रनों से जीत लिया। इंग्लैंड ने केवल यह मैच ही नहीं जीता बल्कि यह 4 मैचों की सीरीज भी 3-1 से अपने नाम कर ली, क्योंकि दोस्तों एक मैच साउथ अफ्रीका जीत चुकी थी और इंग्लैंड ने 3 मैच जीत चुकी है। दोस्तों, आज इंग्लैंड की बॉलिंग काफ़ी अच्छी रही और उन्होंने साउथ अफ्रीका को एक ही दिन में ऑल आउट कर दिया। दोस्तों, इंग्लैंड की तरफ से ब्रॉड ने 10 ओवर में 1 मैडन देते हुए 26 रन दिए और 2 विकेट लिए। सैम क्रुएन ने 11 ओवर में 2 मैडन देकर 38 रन पर 0 विकेट। मार्क वुड ने 16.1 ओवर में 3 मैडन देते हुए 54 रन दिए और 4 विकेट लिए। वॉक्स ने 14 ओवर में 3 मैडन देते हुए 47 रन पर 1 विकेट। स्टोक्स ने 16 ओवर में 4 मैडन देते हुए 47 रन पर 2 विकेट। रूट ने 7 ओवर में 1 मैडन देते हुए 37 रन पर कोई विकेट नहीं। डैनले ने 3 ओवर में 19 रन दिए लेकिन कोई विकेट नहीं लिया। तो दोस्तों, आज का यह मैच इंग्लैंड ने 191 रनों से जीत लिया है और यह सीरीज भी 3-1 से अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या साउथ अफ्रीका इतनी बेकार टीम है टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड से 3-1 से हार गई और वह आज का मैच जीत सकती थी, क्योंकि उसके पास 2 दिन थे। 466 रन हालांकि लंबा स्कोर है, लेकिन वह चेज जरूर कर सकती थी क्योंकि उसके पास आराम से खेलने का टाइम था। दोस्तों, आप कमेंट में बताएं कि साउथ अफ्रीका की टीम में कहां कमी रह गई और क्या इंग्लैंड कितना अच्छा खेली और कितना बुरा खेली, ये सारे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।